भारत का तीसरा सबसे बड़ा शहर और पांचवा सबसे बड़ा महानगरीय क्षेत्र है ये। दक्षिण भारत के दक्कन के पठारी क्षेत्र में 900 मीटर की एवरेज ऊंचाई पर स्थित यह शहर वर्ष भर अपने सुहाने मौसम के लिए विशेष रूप से जाना जाता है। नमस्कार साथियों, मैं लक्ष्मी प्रसाद वर्मा आज फिर आपके लिए इनक्रेडिबल इंडिया के विश्व प्रसिद्ध शहर की रोचक जानकारियां लेके आया हूं। साथियों, ये शहर कर्नाटक राज्य की राजधानी बेंगलोर या बेंगलुरु है, जिसकी जनसंख्या लगभग 84 लाख है और इसके मेट्रोपॉलिटन क्षेत्र की आबादी लगभग 89 लाख है। चलिए आज के बेंगलुरु शहर के प्राचीन इतिहास को जानते हैं। साथियों, पुराणों में इस स्थान को कल्याणपुरी या कल्याण नगर के नाम से जाना जाता था। अंग्रेजों के भारत आने के बाद ही इस शहर को अंग्रेजी नाम बेंगलोर मिला। पुरातत्व विभाग को प्राप्त एक शिलालेख से यह पता चलता है कि 1004 ईस्वी तक यह शहर गंग राजवंश का एक भाग था। उस समय इसे बेंगावलारू के नाम से जाना जाता था, जिसका कन्नड़ भाषा में अर्थ है रखवालों का नगर। 1015 ईस्वी में तमिलनाडु के चोल शासकों के शासन के बाद 1537 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य के शासन के दौरान ही आधुनिक बेंगलोर शहर की स्थापना हुई। 1799 ईस्वी में चौथे मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान की मौत के बाद इस शहर की बागडोर अंग्रेजों के हाथ में आई। ब्रिटिश शासन काल में यह शहर मद्रास प्रेसिडेंसी के अंडर था और 1831 ईस्वी में बेंगलोर शहर को मैसूर की राजधानी बना दिया गया। वर्तमान समय में बेंगलोर शहर की विशेष रोचक जानकारियां कुछ इस प्रकार हैं। संयुक्त राष्ट्र मानव विकास के 2001 के रिपोर्ट के मुताबिक संपूर्ण विश्व के टॉप टेक्नोलॉजिकल सेंटर में ऑस्टिन यूएसए से, सैन फ्रांसिस्को यूएसए से और ताइवान से ताइपेई के बाद भारत का बेंगलोर शहर चौथे नंबर पर आता है। बेंगलोर की शुरुआती इकोनॉमी पब्लिक सेक्टर कंपनीज और टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज पे निर्भर करती थी, लेकिन पिछले 10 वर्षों के भीतर बेंगलोर में विश्व स्तरीय हाई टेक्नोलॉजी और टेक्निकल सर्विसेज इंडस्ट्रीज का विकास बहुत तेज़ी से हुआ है। अकेले बेंगलोर शहर भारत में 47.2 बिलियन अमेरिकी डॉलर सालाना लाता है। बेंगलोर FDI डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट के क्षेत्र में विदेशी कंपनियों को आकर्षित करने वाला भारत का तीसरा सबसे ज़्यादा पसंदीदा शहर है। FDI के जरिए 3.7 बिलियन US डॉलर बेंगलोर में निवेश हो चुके हैं। बेंगलोर में 103 से ज़्यादा सेंट्रल और स्टेट की रिसर्च और अनुसंधान संस्थाओं के साथ साथ उनके हेड ऑफिसेज भी हैं। वर्ल्ड लेवल के टॉप यूनिवर्सिटीज़ में भारतीय विज्ञान संस्थान, नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया के साथ 45 से भी ज़्यादा इंजीनियरिंग कॉलेजेज और वर्ल्ड लेवल के हॉस्पिटल्स भी बेंगलोर को खास बनाते हैं। भारत की दूसरी सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी विप्रो लिमिटेड और तीसरी सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी इन्फोसिस लिमिटेड का हेडक्वार्टर भी इलेक्ट्रॉनिक सिटी बेंगलोर में ही है। इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में भारत में बेंगलोर शहर पहला ऐसा शहर है, इसीलिए बेंगलोर को सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया भी कहते हैं। विप्रो और इन्फोसिस जैसी बड़ी कंपनियों के साथ साथ ही स्पेस रिसर्च के क्षेत्र में भी दुनिया में भारत को प्रमुख पहचान दिलाने वाली संस्था इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन भी बेंगलोर में ही है। कन्नड़ फिल्म इंडस्ट्री का मुख्य केंद्र बेंगलोर ही है। एक तेज गति से उभरते हुए महानगर के तौर पर बेंगलोर भारत में दूसरे नंबर पर आने वाला शहर है। साथियों, बेंगलोर को स्पेस सिटी, गार्डन सिटी ऑफ इंडिया, सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया और इलेक्ट्रॉनिक सिटी के नाम से भी जाना जाता है। बेंगलोर शहर की खूबसूरती में चार चांद लगाने वाले कुछ स्थान हैं जहां आपको जरूर ही जाना चाहिए। बेंगलोर पैलेस। इस खूबसूरत महल की खासियत ये है कि इसकी दीवारों पर खूबसूरत हरा भरा बागीचा लगाया गया है। ये महल मैसूर की रॉयल फैमिली का है। MG रोड बेंगलोर का सबसे प्रसिद्ध और लोकप्रिय शॉपिंग और एंटरटेनमेंट की स्ट्रीट है ये। बानेरघाटा नेशनल पार्क, ये भारत का पहला बटरफ्लाई पार्क है। इसे हर प्रकार के जीव जंतु और पौधों का आश्रय बनाया गया है। यहाँ शेर, बाघ, क्रोकोडाइल के अलावा सफारी राइड की भी व्यवस्था है। लाल बाग,
लाल बाग बेंगलोर का एक प्रसिद्ध बोटेनिकल गार्डन है, जिसकी नींव 1760 ईस्वी में हैदर अली ने डाली थी और टीपू सुल्तान ने 240 एकड़ में फैले इस गार्डन को पूर्ण किया था। लाल बाग में मौजूद 3000 लाख वर्ष पुराना लाल बाग रॉक है, जो पर्यटकों का मुख्य आकर्षण का केंद्र है। इसके अलावा लाल बाग में फ्रांस, पर्सिया और अफगानिस्तान से लाए गए बहुत से विचित्र पौधों की प्रजातियां भी हैं। इन सबके अलावा क्यूबन पार्क, 13th फ्लोर, यूबी सिटी मॉल, इनोवेटिव फिल्म सिटी, शिवा टेम्पल, चुंची फॉल्स, गो कार्टिंग, वंडरला वाटर पार्क, बुल टेम्पल, टीपू सुल्तान पैलेस, बेंगलोर एक्वेरियम, दरीच, अलसूर लेक, लुम्बिनी गार्डन, हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड एरोस्पेस म्यूजियम, वुड स्ट्रीट, इस्कॉन टेम्पल के अलावा बेंगलोर शहर और अनेक खूबसूरत धरोहरों को संजोए हुए है। साथियों, वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव के साथ शेयर करके उन्हें भी इस खूबसूरत शहर की रोचक जानकारियां दें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे इस प्रकार की और भी एजुकेशनल और मोटिवेशनल वीडियो आप हमेशा पा सकें। खुश रहें, स्वस्थ रहें और सफलता के लिए लगातार प्रयत्न करते रहें।